जी आज हम इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन किसे कहते हैं? मीन्स हमारे जो पैसेज ऑफ द फूड में कोई भी रुकावट आ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑब्स्ट्रक्शन बोलेंगे। ठीक है, अगर वो इंटेस्टाइन में होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। मीन्स एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द पैसेज ऑफ द फूड ऑफ द इंटेस्टाइन इज कॉल्ड एज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। तो जब भी हम इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो वो चार कार्डिनल फीचर्स के साथ प्रेजेंट करेगा। कितने? चार कार्डिनल फीचर्स के साथ प्रेजेंट करेगा। तो फोर कार्डिनल फीचर्स कौन कौन से होंगे उसमें? नंबर वन वोमिटिंग, तो पेन किस चीज़ से प्रेजेंट करेगा? नंबर वन वोमिटिंग से। नंबर वन वोमिटिंग। ठीक है, नंबर वन वोमिटिंग। नंबर टू कॉन्स्टिपेशन। नंबर थ्री कोलिकी एब्डोमिनल पेन। नंबर फोर एंड नंबर फोर इज एब्डोमिनल डिस्टेंशन। एब्डोमिनल डिस्टेंशन चार फीचर से, इन चार कार्डिनल फीचर में से अगर तीन प्रेजेंट होंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे? उसे हम इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन बोलेंगे। तो अब देखते हैं कि इटियोलॉजी की है क्या है, ये इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन किस चीज़ की वजह से होता है। ठीक है, तो क्या देखेंगे? व्हाट इज इटियोलॉजी? तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के यहाँ पे दो चीज़ों की वजह से होती है। नंबर वन डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन, डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन। तो नाम से आपको पता है डायनामिक। तो डायनामिक किसे कहते हैं? डायनामिक कहते हैं मोशन को। डायनामिक मतलब मोशन। तो डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन एक ऐसा टाइप ऑब्स्ट्रक्शन का जिसमें जो है ना पेरिस्टलाइसिस का जो मूवमेंट है वो प्रेजेंट हो। ठीक है, क्या हो? पेरिस्टलाइसिस मूवमेंट जो है ना वो प्रेजेंट हो, वो लॉस ना हो, तो उसे हम कहेंगे कि उसमें जो है ना जीआईटी का जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रडिक्शन है वो लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो डायनामिक से मुराद प्रेजेंट विथ पेरिस्टलाइसिस। तो जो इसमें क्या होता है हमारा पेरिस्टलाइसिस, इसमें क्या है? पेरिस्टलाइसिस जो है वो क्या है? प्रेजेंट है। मतलब ये है कि जो पेरिस्टलाइसिस मूवमेंट है वो लॉस नहीं होता। तो ठीक है, और उसके अलावा नंबर दूसरा जो ऑब्स्ट्रक्शन है हमारा वो है अडायनेमिक। अ मीन्स नो, डायनेमिक मीन्स पेरिस्टलाइसिस। डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन से जो ना क्या मुराद होगा कि जीआईटी का कॉन्ट्रैक्शन जो है वो लॉस हो जाएगा। ठीक है, लॉस इट मींस नो पेरिस्टलाइसिस। ठीक है, तो हम डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन को दूसरा क्या बोलते हैं? हम इसको पैरालाइटिक इलनेस भी बोलते हैं। पैरालाइटिक इलनेस भी कहते हैं। और ज़्यादातर ये जो पैरालाइटिक इलनेस होता है वो किस चीज़ की वजह से होता है? तो नंबर वन ये हमें मिलता है पोस्ट ऑपरेटिव एनेस्थीसिया। जब पोस्ट ऑपरेटिव, जब पहले हम जब ऑपरेशन के दरमियान एनेस्थीसिया देते हैं तो पोस्ट ऑपरेटिव जो एनेस्थीसिया होता है, ठीक है, तो इसके ज़ेर असर मिलता है हमें क्या? पैरालिटिक इलियस। और इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, ठीक है, नंबर टू। और नंबर थ्री क्या है? हाइपोकलमिया के साथ। ठीक है, और इसके अलावा पेरिटोनाइटिस,
यहाँ पेरिटोनियल इन्फ्लेमेशन होगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन या पैरालिटिक इलियस मिलेगा। तो हम लिख लेते हैं पैरालिटिक इलियस, तो किस चीज़ की वजह से हमें मिलता है, नंबर वन पोस्ट ऑपरेटिव एनेस्थीसिया, इसके ज़ेरे असर मिलता है हमें, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू किस चीज़ की वजह से, हाइपो कैलेमिया की वजह से। नंबर थ्री इलेक्ट्रो लाइट इम्बेलेंस की वजह से, और नंबर फोर जो है वो क्या है हमारा, पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस या पेरिटोनियल इन्फ्लेमेशन, ठीक है। और इसके अलावा रेनल फेल्योर या और यूरेमिया, ठीक है। तो इसमें हमें क्या मिलेगा, हमें पैरालिटिक इलियस मिलेगा, ठीक है। और बाज़ औक़ात जो हमारे पास पैरालिटिक इलियस जो होता है वो स्ट्रेंगुलेशन की वजह से होता है, किसकी वजह से, स्ट्रेंगुलेशन। बाज़ औक़ात जो है वो किस वजह से, स्ट्रेंगुलेशन की वजह से मिलता है, ठीक है। स्ट्रेंगुलेशन से मुराद क्या होता है, स्ट्रेंगुलेशन से मुराद जो है ना वो क्या है, इस्केमिया, ठीक है, इस्केमिया और इन्फार्क्शन। और इन्फार्क्शन जैसे आपको पता है कि मेसेंट्रिक इन्फार्क्शन, मेसेंट्रिक इन्फार्क्शन, और ज़्यादातर ये किस चीज़ के जैसे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, ठीक है। अब हम ये तो हमने पढ़ लिया डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन, ये इंट्रोडक्शन, अब हम पढ़ेंगे डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में डिटेल में। सो डायनेमिक क्या है, डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन क्या है, डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन। सो डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन के जो होते हैं ना उसके तीन से चार टाइप होते हैं, ठीक है। यूजुअली थ्री टाइप्स, कौन कौन से, फॉर एग्जांपल ये हमारा इंटेस्टाइन है, ठीक है, ठीक है। नंबर वन इसके जो ये फॉर एग्जांपल थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये फॉर एग्जांपल हमारा इंटेस्टाइन है, ठीक है। ये इसका क्या ल्यूमन है, ये अंदर वाला जो स्पेस है, फॉर एग्जांपल ये इंटेस्टाइन है हमारा, ठीक है। तो ये अंदर वाला जो स्पेस है ये क्या है, इसका ल्यूमन है, ठीक है। तो इसमें कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई फॉरेन बॉडी आ जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ फॉर एग्जांपल वर्म्स वगैरह आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो उससे हम क्या बोलते हैं, इंट्राल्यूमिनल, ये हमारा ल्यूमिन हो गया, और ल्यूमिन के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो वो क्या कहलाएगा, इंट्राल्यूमिनल। तो इंट्राल्यूमिन जो ल्यूमिन के अंदर जो ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ठीक है, वो इंट्राल्यूमिन, इनसाइड द ल्यूमिन जो ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ठीक है। और उसके अलावा हमारा जो है दूसरा वो हो जाएगा क्या, इंट्राम्यूरल। दूसरा कौन सा है, फॉर एग्जांपल इंट्राम्यूरल, तो फॉर एग्जांपल ये हमारा इंटेस्टाइन है, ठीक है। ये क्या है, ये उसके वाल है, ठीक है, जिसमें आपको पता है म्यूकोसा मस्कुलर एक्सटर्नल सीरोसा होता है, ठीक है। तो म्यूकोसा या मस्कुलर एक्सटर्नल, तो यहाँ पे क्या हो जाए, फॉर एग्जांपल कोई कैंसर वगैरह हो जाए, कोई ट्यूमर वगैरह हो जाए, ठीक है, तो वो यहाँ से डेवलप होके क्या करे, इस तरीके से ऑब्स्ट्रक्ट करे, तो ये ट्यूमर यहाँ से डेवलप करके यहाँ पे क्या करे, ऑब्स्ट्रक्शन करे। फॉर एग्जांपल ये क्या है हमारा वाल है, तो वाल जो है ना, वाल को यहाँ से जो है ना ट्यूमर है, फॉर एग्जांपल ग्रोथ करके इस ल्यूमिन को क्या कर दे, ब्लॉक कर दे, इस ल्यूमिन को क्या कर दे, ब्लॉक कर दे, कैंसर हो गया जैसे या ट्यूमर हो गया, तो उससे हम क्या बोलेंगे, इंट्राम्यूरल। म्यूरल बोलते हैं वाल को, म्यूरल किसे बोलते हैं, वाल को बोलते हैं, ठीक है। और उसके अलावा तीसरा एक्स्ट्रा म्यूरल। अभी एक्स्ट्रा म्यूरल तो आप समझ गए होंगे, रिमेनिंग जो हमारा क्या हुआ, बाहर वाला स्पेस, ठीक है। एक्स्ट्रा म्यूरल मीन्स वाल से बाहर वाला, तो बाहर वाल से बाहर वाला, फॉर एग्जांपल हर्निया, तो हर्निएशन की वजह से क्या होगा, एक्स्ट्रा म्यूरल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, और वो क्या होगा, डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ठीक है। तो पहला देखते हैं इंट्राल्यूमिनल, नंबर वन इंट्रा
ल्यूमिनल मीन इंट्रा ल्यूमिन, जो ल्यूमिन के अंदर हो। तो इसमें क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें जो इंट्रा ल्यूमिनल जो है ना वो आप ट्रेन करवा सकते हैं। तो नंबर वन इज फिको लेथ, ये सब आपको, आप सबको पता होगा, ठीक है। और उसके अलावा नंबर टू फॉरेन बॉडी, जो मैंने आपको वैसे ही बता दी है कि बाहर से कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल हम जो है ना वो इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्शन करते हैं, ठीक है। तो वो अंदर जाके क्या करेगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या कर देगा, ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा। तो उसको, तो इसे बोलेंगे फॉरेन बॉडी नंबर टू। और नंबर थ्री जो है हमारा वो क्या है, वॉर्म्स, सॉरी नंबर थ्री क्या है हमारे, वॉर्म्स। और उसके अलावा नंबर फोर, फॉर एग्जांपल हमारे गाल स्टोन, इलियस जो है ना, गाल स्टोन जो है ना, स्टोन आके हमारे यहाँ पे इलियस में आ जाए, ठीक है। तो इलियस में ऑपरेशन करवा देंगे, तो ये भी ऑपरेशन से हमारे स्टोन का हो जाएगा, तो गाल स्टोन इलियस। और उसके अलावा नंबर फाइव इंजेक्शन ऑफ हेयर्स, इंजेक्शन ऑफ हेयर्स मीन्स बाल जो है ना, बाल जो है ना उनकी इंजेक्शन, इंजेक्शन ठीक है, उनको सॉलो करना। तो ज़्यादातर इंजेक्शन ऑफ हेयर जो होता है ना, एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, क्या है, साइकोलॉजिकल फैक्टर है, साइको साइकोलॉजिकल साइको लो क्या है, साइकोलॉजिकल फैक्टर है, साइकोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, उसके बाद इंट्रा म्यूरल, अब देखेंगे इंट्राल्यूमिनल हो गया जिसमें फिकोलेथ, इंट्राल्यूमिनल फिकोलेथ, फॉरेन बॉडीज, वॉर्म, गालस्टोन, इलियस, इंजेक्शन ऑफ द हेयर्स, जो को जो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। उसके बाद नंबर टू क्या है हमारा, इंट्रा म्यूरल फैक्टर, इंट्रा म्यूरल। तो इंट्रा म्यूरल मैंने आपको पहले भी बताया है कि ज़्यादातर क्या है इंट्रा म्यूरल में, इंट्रा म्यूरल में हमारे पास आते हैं, हमारा आता है ट्यूमर वगैरह आता है, ठीक है। और उसके अलावा दूसरा कार्सिनोमा आ जाता है, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे नंबर वन जेस्टिक कार्सी, तो ये भी क्या करेगा, हमारे इंटेस्टाइन को, हमारे जो है ना जीआईटी जो है ना, उसे क्या कर देगा, उसको क्या कर देगा, ऑब्स्ट्रक्शन कर देगा, ठीक है। तो एक तो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, और उसके अलावा क्या है, सिंबल इंटेस्टाइन कैंसर, और उसके अलावा इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, और उसके अलावा मेलिगनेंसी। तो यह कर, ये क्या करेंगे, हमारा इंट्रा म्यूरल ऑब्स्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा एक्स्ट्रा म्यूरल, तो हम जो है ना, हम लिख कहा है कि हर्निया की वजह से होते हैं, मगर फिर भी हम लिखते हैं एक्स्ट्रा म्यूरल, एक्स्ट्रा म्यूरल में क्या है, हर्निया नंबर वन, नंबर टू वॉल वॉल्व्यूलस, वॉल्व्यूलस तो ये क्या है, वॉल्व्यूलस की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो वॉल्व्यूलस क्या होता है, इसमें ये है कि ट्विस्टिंग ऑफ जीआईटी, ट्विस्टिंग ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट जीआईटी टू इट्स लॉन्ग एक्सेस, टू इट्स लॉन्ग एक्सेस क्या हो गया, एक्स्ट्रा जो ना, ये हो गया वल्वुलस, ठीक है। और उसके अलावा एक आता है इंटरसेप्शन, इंटरसेप्शन, क्या है इंटरसेप्शन, और ये क्या है, इंटरसेप्शन कहते हैं इनवेजिनेशन, इन्वेजिनेशन ऑफ वन पार्ट ऑफ द जीआईटी, इन्वेजिनेशन ऑफ द वन पार्ट ऑफ द जीआईटी इनटू अनदर। तो क्या है, इन्वेजन हो जाए वन पार्ट ऑफ द जीआईटी इनटू अनदर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे इंटरसेप्शन। फॉर एग्जांपल हमारा जो सीकम है वो क्या कर जाए, इन्वेजिनेट कर जाए, इन्वेजिनेशन, इन्वेजिनेशन ऑफ सीकम इंटू असेंडिंग, असेंडिंग कोलोन। ये क्या हो गया, फॉर एग्जांपल ये हो गया,
ये हो गया इंट्रोसेप्शन, ठीक है। तो जो सबसे मोस्ट कॉमन जो है ना एक्स्ट्रा म्यूरल, जो सबसे मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा म्यूरल का है वो क्या है, वो है एडहेशन। वो क्या है, एडहेशन है। और ये आपको इंटेस्टाइन में अपने कहीं भी सर्जरी की हो, इंटेस्टाइन में आपने कहीं भी सर्जरी की हो तो क्या हो जाएगा, जीआईटी या पेरिटोनियम जो है ना वो आके क्या हो जाएगा, वहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे अटैच हो सकता है तो क्या हो जाएगा, वो एडिशन काज करवाएगा, ठीक है। तो एडिशन जो है ना वो मोस्ट कॉमन काज होता है किसका, एक्स्ट्रा म्यूरल का, इंटेस्टाइन में। और उसमें क्या होता है कि जब आपकी सर्जरी हुई होती है या आप सर्जरी करवाते हो तो आपका जो जीआईटी है या जो आपका पेरिटोनियम है वो आके अटैच हो जाएगा, ठीक है, वहाँ पे। तो वो क्या करवाएगा, एडहेजन करवाएगा, ठीक। ये हो गया हमारा एडहेजन। एडहेजन में क्या होगा, फॉर एग्जांपल हमारी कहीं भी सर्जरी की है, ठीक है, तो वो क्या होगा, जीआईटी या पेरिटोनियम आके वहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। पेरिटोनियम या जीआईटी उस जगह पे आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो क्या काज करवाएगा, एडहेजन काज करवाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक एक जो है ना इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का जो है ना सबसे सबसे ज़्यादा जो करता है ना वो एडहेजन करवाता है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जो सबसे ज़्यादा करवाता है वो कौन करवाता है, एडहेजन करवाता है, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशंस, अगर किस चीज़ की बारी है, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंटेशन अब हम करेंगे। तो क्लासिफिकेशन से क्या मुराद है, तो प्रेजेंटेशन से क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल अब मैं कहता हूँ अक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, तो इसका मतलब है कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो गया हो, स्मॉल इंटेस्टाइन कम्प्लीटली ब्लॉक हो गया हो, तो वो क्या हो गया, एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जिसमें हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाए, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में नंबर वन जो हमारा है वो क्या है, एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। नंबर वन। नंबर टू जो है वो है हमारा सब अक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, सब अक्यूट, जिसमें क्या है हमारा जो इंटेस्टाइन है वो पार्शियली क्या हो जाए, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, सब अक्यूट इंटेस्टाइनल। इंटेस्टाइन क्या हो जाए, पार्शियली क्या हो जाए, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए। नंबर थ्री। नंबर थ्री जो है वो है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन। तो क्रोनिक जो ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है ज़्यादातर वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, याद रखिएगा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादातर होता ही लार्ज इंटेस्टाइन में है, और अक्यूट ज़्यादातर होता ही स्मॉल इंटेस्टाइन में है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो हमारा ल्यूमेन होता है वो स्मॉल होता है, ठीक है। तो स्मॉल ल्यूमेन की वजह से ये जल्दी ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से इसे हम अक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या सब अक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। मगर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन ये है कि ल्यूमेन जो होता है ना वो बड़ा होता है, किसका, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का। तो हम चाहे जितना भी जोर लगा दें, ठीक है, तो जितना भी जोर लगा दें मगर जो है ना हम कम्प्लीटली उसे ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते, किसको, लार्ज इंटेस्टाइन को, ठीक है। तो वहाँ पे जो होगा ऑब्स्ट्रक्शन वो कौन सा होगा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन होगा, अपना स्लोली स्लोली ग्रेजुअली डेवलपिंग ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ठीक है। और नंबर फाइव, नंबर फोर जो होगा वो क्या होगा, वो अक्यूट क्रोनिक ऑप्शन, अक्यूट क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले भी मैंने बताया कि अक्यूट मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन और क्रोनिक मतलब लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन। तो यहाँ पे क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या हो जाए, आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या हो जाए, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, अक्यूट क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन, अक्यूट क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो अक्यूट हम बोलते हैं कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन। जी आई में सबसे ज़्यादा चांसेस जो होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन के होते हैं, क्योंकि उनसे ल्यूमेन क्या होता है, वो छोटा होता है, ठीक है। तो नंबर वन क्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इसमें क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका जो ल्यूमेन होता है वो कम्प्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, कम्प्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, कम्प्लीटली ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है उसकी, किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन की,
ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। तो जीआई में सबसे ज़्यादा जो चांसेस होते हैं किस चीज़ के, एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन के, तो वो किस में होंगे, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, उसके बाद सब एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, सब एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये क्या है, पार्शल, मतलब पार्शल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या मतलब पार्शल, पार्शल ऑब्स्ट्रक्शन, पार्शल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो वो क्या हो गया, हमारा सब अक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। उसके बाद नंबर 3 क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन, नंबर 3 इज व्हाट, नंबर 3 इज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, तो क्रोनिक क्या है, क्रोनिक में ज़्यादातर जो हमें मिलता है वो हमारा क्या, लार्ज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन क्या है, लार्ज इंटेस्टाइनल, लार्ज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, तो क्रोनिक इसलिए कहते हैं कि आपको पता है कि जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है उसका जो ल्यूमेन होता है वो क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। तो हम जितना भी मर्जी जोर लगा दें कभी भी कम्प्लीटली ऑब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा, कम्प्लीटली ऑब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद हम फिर चलते हैं अक्यूट एंड क्रोनिक। नंबर 4 जो है वो कौन सा है, एक्यूट एंड क्रोनिक, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन। तो उसका क्या मतलब है, तो उसका ये है कि हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो पहले क्या हो जाए, पहले वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, तो वो लार्ज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन की ऑब्स्ट्रक्शन होगी, तो वो क्या कहलाएगा, अक्यूट क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन। और ज़्यादातर ये किस में होता है, वल्वुलस में होता है। ठीक है, किसकी वजह से होता है, वल्वुलस की वजह से। तो जब हमारा लार्ज इंटेस्टाइन जो है ना वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, और ज़्यादातर कौन उसमें काजी में जाना था, वो वल्वुलस होता है। ठीक है, तो इन सब में से कॉमनली जो आपको मिलता है वो सब अक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। सब अक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है वो क्या है, सबसे कॉमन होता है। जो हमारे सामने इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का क्वेश्चन आएगा, जब भी हमारे सामने इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो उसमें जो है ना हमें 4 क्वेश्चंस मिलेंगे। जब भी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का जब भी क्वेश्चन आएगा, तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमें वहाँ पे 4 क्वेश्चन लाजमी पूछे जाएंगे। इंटरनल ऑब्स्ट्रक्शन के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो उसमें हमसे 4 क्वेश्चन लाजमी पूछे जाएंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है, वेदर इट्स अ स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन। तो क्या हमें सिम्पटम्स मिलेंगे, क्या सिम्पटम्स मिलेंगे, और हमें बोलेंगे वेदर इट इज़ अ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्जेक्शन आर स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन आर लार्ज इंटेस्टाइन, वेदर इट इज स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन। तो इसका मतलब है कि जब भी इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन क्वेश्चन आएंगे तो हमसे यही पूछेंगे कि ना पहले बताओ कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ऑब्स्ट्रक्शन है या लार्ज इंटेस्टाइन का ऑब्स्ट्रक्शन है, वेदर वेदर दिस इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इज डायनामिक और अडायनामिक। नंबर 3 वेदर इज स्ट्रेंगुलेटेड आर नॉट, वेदर इट इज स्ट्रेंगुलेटेड और नॉट, वेदर
इट इज़ मिजेंट्रिक स्केमिया आर नॉट, मतलब पैरालिटिक लियस और नॉट, पैरालिटिक लियस और नॉट। तो जब भी इंटरनल ऑब्स्ट्रक्शन के क्वेश्चन आएंगे तो ये चार क्वेश्चन हमसे लाजमी पूछे जाएंगे, या कोई भी इंटरनल ऑब्स्ट्रक्शन का कोई भी केस स्टडी आएगा तो भी हमसे ये चार क्वेश्चन जो है ना वो लाजमी पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारा पहला क्वेश्चन है, वेदर इट इज़ अ स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन, कौन सा है? वेदर इट इज सिंबल इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन और लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन। सो वेदर इट इज स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन और लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन। सबसे पहले ये बताऊँ आपको, इसकी जो इटोलॉजी होती है स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन की, वो सेमी होती है, ठीक है? इटोलॉजी इटोलॉजी तो इटोलॉजी में क्या है, फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा है मेलेग्नेंसी, ट्यूबरकुलोसिस, कोई फॉरेन बॉडी और उसके अलावा वॉर्म्स, फॉर एग्जांपल एस्केरस, ठीक है? तो इटोलॉजी हमारी यही सेम रहेगी स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन के लिए। और उसके अलावा जो हमारे कार्डिनल फीचर्स हैं, जो सिम्पटम और साइन हैं, साइन है सिम्पटम्स, इसमें क्या है, हमारे चार कार्डिनल फीचर जो हमने पढ़े हैं, फोर फोर कार्डिनल इसमें क्या है, हमारे चार कार्डिनल फीचर्स हैं, कौन कौन से? नंबर वन सॉरी नंबर वन वोमिटिंग, नंबर टू जो है ना वो क्या है, एब्डोमिनल पेन, क्या है? नंबर वन वोमिटिंग, नंबर टू जो है वो क्या है, एब्डोमिनल पेन, नंबर थ्री कॉन्स्टिपेशन, नंबर फोर जो होगा हमारा वो क्या होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ठीक है? नंबर वन वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन। तो ये हमारे जो है ना चार कार्डिनल फीचर्स होंगे, ठीक है? इनमें से कोई भी तीन प्रेजेंट हो सकते हैं या चारों के चार भी प्रेजेंट हो सकते हैं, किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन और लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन में। तो सबसे पहले हम स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन को डील करते हैं। सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन से डील करते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, नंबर वन हमारे पास क्या था, एब्डोमिनल पेन। फॉर एग्जांपल पहले हम एब्डोमिनल पेन को उठाते हैं, एब्डोमिनल पेन। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट है, कौन से हैं? ड्यूडेनियम, जेजेनियम और इलियम। उसमें क्या होता है, हमारा जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है और जो पेशेंट प्रेजेंट करता है वो सीवियर एब्डोमिनल पेन, सीवियर एब्डोमिनल पेन। और कौन सा? सीवियर अम्ब्लाइकल और सेंट्रलाइज्ड एब्डोमिनल पेन, ठीक है? तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ऑब्स्ट्रक्शन होगा वो कहाँ पर होगा, जो पेशेंट प्रेजेंट करेगा वो, पहली बात तो ऑब्स्ट्रक्शन होगी ड्यूडेनियम, जेजेनियम, जो ऑब्स्ट्रक्शन होगी हमारी कहाँ पे होगी, ड्यूडेनियम, जेजेनियम और इलियम में।
और जो पेशेंट प्रेजेंट करेगा वो करेगा सेंट्रलाइज्ड एम्ब्लाइकल पेन, और जिससे हम दूसरा क्या क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइज्ड एब्डोमिनल, सेंट्रलाइज्ड एब्डोमिनल पेन, ठीक है। इसमें क्या हो गया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का आपत्तिजनक होगा, ड्यूडेनियम, जेजेनियम या इलियम में होगा, और उसके नंबर वन जो कार्डिनल फीचर है वो क्या, एब्डोमिनल पेन, और एब्डोमिनल पेन होगा वो क्या होगा, हमारे अम्ब्लाइकल पेन होगा या सेंट्रलाइज्ड एब्डोमिनल पेन होगा, ठीक है। और सबसे जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, सीवियर होगा। ये पेन क्या हो गया, सीवियर होगा, तो पेन क्या हो गया, सीवियर होगा, तो मतलब सीवियर अम्ब्लाइकल और सेंट्रलाइज्ड एब्डोमिनल पेन, सो द पेन इज गोइंग टू रेडिएट ऑल ओवर द एब्डोमन, सो द पेन इज गोइंग टू रेडिएट ऑल ओवर द So the pain is going to radiate all over. Generally इसमें क्या होता है, कोलेकी एब्डोमिनल, कोलेकी एब्डोमिनल पेन होता है, ठीक है। जनरली इसमें क्या होता है, कोलिकी एब्डोमिनल पेन होता है, और ये पेन जो होता है ना वो इंटरमिटेंट होता है, क्या होता है, ये पेन जो होता है पेन होता है, और ये पेन जो होता है वो क्या होता है, इंटरमिटेंट पेन होता है, ठीक है। और वो और ये जो ना एपिसोडिक है, इंटरमिटेंट एबोस एपिसोडिक पेन, जो रहता है कितने टाइम के लिए, 3 से 5 मिनट के लिए, कितने मिनट के लिए, 3 से 5 मिनट के लिए, तो रहता है कितने के लिए, 3 to 5 मिनट। इसमें क्या होता है, पेन जो होता है वो क्या है, जो है ना पहली बात तो सीवियर, सडन सीवियर पेन है, ठीक है, कोलिकी एब्डोमिनल पेन नेचर है, और जो इंटरमीडिएट पेन होता है 3 to 5 मिनट्स, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे ही पेशेंट क्या करेगा, जैसे ही कोई पेशेंट जो जैसे एब्डोमिनल पेन है, वो कोई भी बोलस जो है ना, जब जब उस जगह पे आएगा, ठीक है, और रुकेगा, तो 3 से 5 मिनट तक यहाँ पेन होगा, ठीक है। तो जैसे ही बोलस जगह पे जाएगा, ठीक है, तो जो है ना इंटरमीडिएट पेन होगा, और वो पेन जो है ना 3 से 5 मिनट तक रहेगा, इंटरमीडिएट पेन 3 to 5 मिनट्स। तो ये हो गया एब्डोमिनल पेन। उसके बाद हम देखते हैं वोमिटिंग, नंबर टू, नंबर सेकंड कार्डिनल फीचर हम देखते हैं क्या, वोमिटिंग। तो इट्स वन ऑफ द अर्ली फीचर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन, याद रखिए, इट इज वन ऑफ द अर्ली फीचर इन स्मॉल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, वोमिटिंग इट्स वन ऑफ द अर्ली फीचर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन, सबसे अर्ली आता है, ठीक है। और उसके बाद अमूमन विद फर्स्ट एपिसोड ऑफ द पेन, पहली दफ़ा जिसे मरोड़ उठता है तो पेशेंट को क्या आता है, वोमिटिंग आता है, ठीक है। पेशेंट को जैसे ही मरोड़ उठता है तो क्या होता है, उसे वोमिटिंग आता है। इट्स वन ऑफ द अर्ली फीचर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन, अमूमन क्या होता है, जो पेशेंट को फर्स्ट एपिसोड ऑफ द पेन होता है, ठीक है, तो पहली दफ़ा ही जो है ना मरोड़ उठता है, मरोड़ जब भी उठता है तो पेशेंट क्या करता है, वोमिटिंग करता है, ठीक है, क्या करता है, वोमिटिंग करता है। उसके बाद इफ़ इट्स अ जुजेनल, इट इज जेजुनल ऑब्स्ट्रक्शन,
अगर ये क्या है ऑब्स्ट्रक्शन है किसकी, जुजेनियम की, तो क्या होगा, तो हर एपिसोड जो है ना, हर हर जो पेन की एपिसोड होगी ना, विथ ईच एपिसोड ऑफ पेन क्या होगा, वोमिटिंग होगा, ठीक है। इफ़ इट इज़ अ जुजेनियल ऑब्स्ट्रक्शन देयर विल बी वोमिटिंग विथ ईच एपिसोड ऑफ द पेन। तो क्या होगा, जेजनल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या वोमिटिंग होगी, मगर विथ ईच एपिसोड ऑफ द पेन, पेन के एपिसोड के साथ ही, ठीक है। अगर अगर ये एलियम का ऑब्स्ट्रक्शन है, इफ इट इज, इट इज द, इफ इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इलियम, अगर ये क्या है इलियम का ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसमें क्या होगा, उसमें एक वोमिटिंग होगी, ठीक है, पेन के फर्स्ट एपिसोड ऑफ द पेन के साथ वोमिटिंग होगी, ठीक है। इफ इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द इलियम, सो देयर विल बी पेन विथ फर्स्ट एपिसोड, देर विल बी द पेन, देर विल बी द वोमिटिंग, देर विल बी द वोमिटिंग, सॉरी, देर विल बी द वोमिटिंग विद फर्स्ट एपिसोड ऑफ पेन। सो इफ इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द इलियम, देर विल बी द वोमिटिंग विद फर्स्ट एपिसोड ऑफ द पेन, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे कोई भी वोमिटिंग नहीं होगी, देर विल बी द नो वोमिटिंग फॉर फ्यू आवर्स। उसके बाद क्या होगा, पेन तो होगा मगर वोमिटिंग नहीं होगी। आफ्टर दैट देर विल बी नो वोमिटिंग फॉर फ्यू आवर्स, कुछ घंटों तक कोई भी वोमिटिंग नहीं होगी। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, देन स्टार्ट नॉन स्टॉप वायलेंट वोमिटिंग। अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, इलियम में पहले पहले जो एपिसोड जो है ना, पहला जो वोमिटिंग होगा, ठीक है, तो उसके साथ फर्स्ट एपिसोड ऑफ द पेन, देयर विल द वोमिटिंग विद द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द पेन। उसके बाद पेन तो होगा मगर वोमिटिंग नहीं होगी फॉर फ्यू आवर्स। उसके बाद देन स्टार्ट नॉन स्टॉप वायलेंट वोमिटिंग, तो ये डिफरेंस है किस में, इलियल ऑब्स्ट्रक्शन, इलियम में जब ऑब्स्ट्रक्शन हो तब, और जेजेनियल में ऑब्स्ट्रक्शन हो तब, इसको हम ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा जो कार्डिनल फीचर है वो क्या है, नंबर थर्ड कार्डिनल फीचर, दैट इज कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है। एक होता है एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन के दो टाइप होते हैं, एक एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन और एक क्या होता है, रिलेटिव कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। तो इसमें जो होगा वो एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन होगा। सो स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सो ये क्या है, इट्स अ स्मॉल, इसमें क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन मीन इट इज गोइंग टू बी एन, इट्स गोइंग टू बी एन एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन, एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन, गोइंग टू बी एन एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन मैंने को बताया कि इसके दो टाइप हैं, एक क्या होता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन, और क्या, एक क्या होता है रिलेटिव कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसमें जो कॉन्स्टिपेशन होता है वो क्या होता है, एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसमें जो कॉन्स्टिपेशन होगा वो क्या होगा, एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन के बारे में लिख देता हूँ,
कॉन्स्टिट्यूट कॉन्स्टिपेशन इसका क्या मतलब है? मीन्स देयर इज नो मीन्स देयर इज अ नो पैसेज फॉर फीसेस एयर आर फ्लेट्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देयर इज नो पैसेज फॉर फीसेस, इसमें जो है ना फीसेस के लिए पैसा नहीं हो पैसेज नहीं होगा, और उसके अलावा जो एयर और फीटस है वो भी क्या होगा, पास नहीं होगा, विल नॉट पास। सो दिस इज एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन, मीन देयर इज नो पैसेज फॉर द फीसेस एंड एयर आर फ्लेटस विल नॉट पास, एयर आर फ्लेटर विल नॉट पास। तो ये हो गया एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन। उसके बाद नंबर फोर हमारा कार्डिनल फीचर, जिसे हम डिस्टेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो एब्डोमिनल डिस्टेंस ये माइल्ड सी होती है और ज़्यादातर ये एपिगैस्टम तक ही महदूद रहती है। ठीक है, तो डिस्टेंशन जो एब्डोमिनल डिस्टेंशन है ये क्या होता है, ये माइल्ड होती है और ज़्यादातर ये एपिगैस्टम तक ही महदूद होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन में ये माइल्ड है, नंबर वन इट्स माइल्ड, और नंबर टू क्या होता है, एपिगैस्टम तक ही महदूद रहता है। ठीक है, डिस्टेंशन ये माइल्ड होता है और ज़्यादातर ये एपिगैस्टम तक ही महदूद रहता है। ठीक है, तो यही चारों फीचर लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन में भी हमें मिलेंगे। ठीक है, ये चारों फीचर हमें लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन में भी मिलेंगे, बट स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए मैं आपको बता दूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन द पेन इज सडन इन ऑनसेट, सेवियर कोलिकी, क्या है कोलिकी, सो द पेन इज सडन इन ऑनसेट सीवियर एंड कोलिकी, किसमें स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन में। ठीक है, सो पहले पेन के एपिसोड के साथ क्या होगा, वोमिटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो पेन के फर्स्ट एपिसोड के साथ वोमिटिंग, सो वोमिटिंग विथ फर्स्ट एपिसोड ऑफ पेन, सो देर विल बी द वोमिटिंग विद द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द पेन एंड आफ्टर दैट हेयर विल बी द एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन विथ विथ माइल्ड एब्डोमिनल डिस्टेंशन। सो इन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन द पेन इज सीवियर सडन इन ऑनसेट एंड कोलिकी नेचर, नंबर वन, नंबर टू द वोमिटिंग विल स्टार्ट विद फर्स्ट एपिसोड ऑफ द pain, vomiting with the first episode of the pain, after that here will be the absolute constipation with mild abdominal distension. So these are the cardinal features which are we are going to find in a small intestine obstruction. So after that we are going to study about large intestine obstructions.
So after that you will know the difference between what is the difference between the small and large intestine obstruction. So we are going to study about large intestine obstruction.